गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू गीताज ऑनलाइन टिप्स। गाइज, आज मैं आपके सामने जिन जॉब वैकेंसीज के बारे में शेयर करने जा रही हूँ वो निकली हुई है डेटा एंट्री ऑपरेटर की प्रोफाइल पे। TCS कंपनी ने जॉब वैकेंसीज निकाली हुई है जो कि 101% जेन्युइन है। TCS जो है अपनी जॉब वैकेंसीज मेन करियर के पेज पे ही शेयर करती है, तो वहीं से मैंने जॉब वैकेंसीज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कहने का मतलब है कि 101% जेन्युइन जॉब वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये जॉब प्रोफाइल सही लगती है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच करता है तो। ठीक है, डेटा एंट्री से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल होने वाली है, कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, सैलरी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, इसके बाद कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए गाइस, जो डेटा से एंट्री ऑपरेटर से जॉब प्रोफाइल होती है हर डिपार्टमेंट में होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोफाइल की, वो HR से रिलेटेड हो, अकाउंट से रिलेटेड हो, या फिर CRM से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे अकाउंट डोमेन के लिए निकली हुई है, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे जॉब प्रोफाइल निकली हुई है जिसमें आपको काम करना होगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में अगर आपको अकाउंट्स की, फाइनेंस की नॉलेज है तो कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, फिर क्वालिफिकेशन का ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप BCom है, BBA है, या फिर कोई भी अकाउंट्स की डिग्री, डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है। फ्रेशर है लेकिन आपको अकाउंट्स की, फाइनेंस की नॉलेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 6 to 1 year का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। बात कर लेते हैं गाइज रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा, क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की। सो देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया आपको, अकाउंट से रिलेटेड आपका यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना होगा, शीट वगैरह पूरा मेंटेन आपको करना होगा, जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपको डेटा मिलता है उसको आपको पूरा एक पूरा मतलब मेंटेन करके चलना है। ठीक है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर बात करें, डोमेन अकाउंट नॉलेज एंड स्किल्स मैंडेटरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फाइनेंस, गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू वर्क इन रोटेशनल एंड नाइट शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट भी प्रोवाइड की जा सकती है, शिफ्ट वाली जॉब है गाइज, तो आपको नाइट शिफ्ट भी दी जा सकती है और डे शिफ्ट भी यहाँ पे आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी एवरेज है, मैं ये कहूँगी कि क्योंकि यहाँ पे कोई आपको कॉलिंग का काम नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे अगर एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। सो देखिए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। TCS के मेन करियर के पेज पे ही ये लिंक आपको ओपन होगा, तो वहाँ पे पूरा एक बार जॉब रिव्यू करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर आपका CV शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, जो TCS जो है 3 राउंड वहाँ पे इंटरव्यू के होते हैं। फर्स्ट जो होता है, जो आपका रजिस्टर में ID है उस पर आपको एक लिंक आ जाएगा, अगर आपका CV शॉर्ट लिस्टेड होता है, तो जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद एक अगर वो क्लियर हो जाता है तो एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है, और सबसे लास्ट में एक HR राउंड होता है। ठीक है, जिसमें आपकी सैलरी वगैरह डिस्कस की जाती है। इस जॉब प्रोफाइल के लिए सैलरी की अगर गाइस हम बात करें, तो जैसे कि मैंने गूगल रिव्यूज किया है, जो डेटा ऑपरेटर की एक सैलरी होती है TCS कंपनी में 20,000 से लेकर 31,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस, आई होप ये जॉब वैकेंसीज आपके लिए यूजफुल होगी। मैं इसी तरह से आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट जॉब वैकेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जॉब वैकेंसीज शेयर करती रहती हूँ। अगर आप इस तरह से जॉब वैकेंसीज सर्च कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।